दोस्तों ये देखिए मेरा इंक्यूबेटर जिसमें अच्छे खासे 4 बच्चे निकल आए हैं। और ये देखिए अभी ये आज ही निकला है या कल रात को निकला होगा बच्चा ये अंडे में से। ये 19 तारीख को मैंने अंडा रखा था ना, और जिसमें से ये बच्चा निकला है। अभी ये आज इंक्यूबेटर में ही रहेगा ताकि ये पूरा सही से सूख जाए। जो थोड़ा सा गीला गीला रहता है ना बच्चे जब निकलते हैं तो वो सूखते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। और ये देखिए 14 तारीख का अंडा है, इसमें से मुझे नहीं लगता कि बच्चा निकलेगा। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये एग देखिएगा, ये देखिए यहाँ से क्रैक होना शुरू हुआ है। थोड़ा सा जूम नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। अरे भैया जूम हो जाओ, एक मिनट। ये देखिए ऊपर से, यहाँ से जहाँ से 20 तारीख लेकर उसके ऊपर देखिएगा, ये देखिए यहाँ से क्रैक होना शुरू हो गया है ये भी अंडा। और ये भी हो सकता है कल सुबह या आज रात तक की निकला है बच्चा। रख दो इसके इसकी जगह पर। और बाकी ये देखिए 14 तारीख का अंडा था, इसमें से बच्चा नहीं निकला है। मुझे लगता है या तो बच्चा अंदर ही मर गया या तो फिर इम्यूनिटी उसको सही से नहीं मिल पाई। और बाकी मैंने ये देखिए जो बॉल रखे थे इनका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जो मैंने पानी बढ़ा दिया था तो उस वजह से इम्यूनिटी इसमें अच्छी मेंटेन हो गई थी है ना। अब और थोड़ा मौसम भी थोड़ा सही था बीच में, अभी मार्च का मौसम टाइम चल रहा है तो मौसम थोड़ा अच्छा था, तो उस वजह से भी रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आया है इस बार। चलता हूँ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।